हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज स्टूडेंट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 बेसिक फंडामेंटल। इसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, ये टॉपिक स्टूडेंट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये कन्फर्म करना चाहिए, समझना चाहिए, हम लोग जब प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पी एंड एल अकाउंट बना चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम ओनर की कैपिटल में मर्ज करते हैं। बट यहां पर डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप में, जो बेसिक डिफरेंस है, यहां पर इस प्रॉफिट को कंज्यूम करने वाला कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है। यहां पर इस प्रॉफिट को कंज्यूम करने वाले पार्टनर्स हैं, मल्टीपल पर्सन है। क्योंकि पार्टनरशिप हम जैसा कि पढ़ते हैं, इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द टू एंड मोर पर्सन। अब जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो स्टूडेंट वहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम डिस्प्यूट अबाउट द ओपिनियन, डिस्प्यूट अबाउट द ट्रांजेक्शन, डिस्प्यूट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग। अब मान लीजिए एक्स वाई जेड पार्टनर है, पार्टनर एक्स हो सकता है वाई एंड जेड से ज्यादा कैपिटल लाया हो, पार्टनर वाई हो सकता है एक्स एंड जेड से ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा हो, पार्टनर जेड हो सकता है मार्केट में क्लाइंटेज अच्छी हो। हर पार्टनर की अपनी अपनी खूबियां होती है, कैप्चरिंग होती है। अकॉर्डिंग टू डेट वो पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन की डिमांड कर सकता है। एंड डेट्स वाई स्टूडेंट हम लोग जनरली पार्टनरशिप में पढ़ते हैं एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर्स जनरली पार्टनरशिप डीड बना के चलते हैं, और पार्टनरशिप डीड का मतलब यहां पर यह होता है कि हम जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें से पहले उन डीड्स के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस को किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट उनको कंसीडर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज द फाइनल प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। सो दैट प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए स्टूडेंट एक पीपीटी की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जैसे कि पीपीटी आ गई है, इस प्रॉफिट के लिए हम लोग जो सबसे पहला अकाउंट मेंटेन करते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एनेक्सर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रोप्राइटरशिप में ऑलरेडी बना चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये बताता है कि जो हमारी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसको कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आपको यह चीज समझनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो एक्सपेंसेस डालते हैं, डेबिट करते हैं, दैट एक्सपेंसेस वी कैन से चार्ज और एप्रोप्रिएशन। यहां पर हम वर्ड क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो एक्सपेंसेस को हमने एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ एक्सपेंसेस हमारे लिए चार्ज होते हैं और कुछ एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन होते हैं। इनमें स्लाइटली डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब यहां पर क्या है स्टूडेंट, चार्ज का मीनिंग यहां पर है कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो फर्म को नेट प्रॉफिट कंसिडर करने से पहले फाइंड आउट चार्ज करने चाहिए थे या करने हैं, और फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो बट दीज एक्सपेंसेस मस्ट बी पेड। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग जो डालते हैं वो एप्रोप्रिएशंस होते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट निकलने के बाद उसको प्रॉफिट को कैसे कैसे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाना है, कैसे कैसे उसमें से क्या क्या एक्सपेंसिस पार्टनर्स को हमें देने हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम उसके लिए बनाते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस समझना चाहें तो स्टूडेंट देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहले अगर हम यहां क्रेडिट साइड में देखें तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा वो प्रॉफिट है जो एज पर द पी एंड एल अकाउंट आया है। बट लेट बी वेरी क्लियर, एक चीज बहुत अच्छी तरह आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि मुझे ये प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट चाहिए। अगर मेरी फर्म में इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में एज पर द क्वेश्चन कोई चार्ज, कोई एक्सपेंस जो चार्ज ट्रेड किया गया था अभी कंसीडर नहीं हुआ,
तो पहले आप इस प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी, देखिए कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये एक फर्म के लिए फिक्स एक्सपेंस है, दैट इज ऑल्सो ए चार्ज, ये चार्ज है जिसको हमें पे करना होता है, तो दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द नेक्स्ट स्टूडेंट, रेंट टू पार्टनर्स, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी बिजनेस को यूज करने के लिए प्रोवाइड की हुई है तो उसको रेंट प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं बट रेंट दैट इज अ चार्ज, तो ये भी प्रॉफिट में से पहले लेस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। एंड देन मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन भी हमारे प्रॉफिट में से एक चार्ज ही माना जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्वेश्चन में क्लैरिफाई अच्छी तरह क्लियर रीडिंग करके आप ये देख लीजिए, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं है पार्टनर्स का, कोई रेंट तो नहीं है, या कोई मैनेजर कमीशन नहीं है, इन सबको सब्ट्रैक्ट करके हमें फाइनल फिगर ऑफ प्रॉफिट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड फाइनल प्रॉफिट। अब इसके बाद हम कंसिडर करेंगे स्टूडेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है उस डीड के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टर्म्स पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मे बी पार्टनर्स की जो डिमांड है वो अलग अलग हो सकती है, बट अगर आपको कोई भी कंसिडरेशन देखना है तो उसको डीड में आपको डलवाना जरूरी होता है। तो पार्टनर्स ने क्या क्या डीड में कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंगली हम एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आइटम डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है इफ रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप डीड तो हम इस प्रॉफिट में से उन पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। बट द थिंग इज दैट हम अब एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे हैं, एंड स्टूडेंट आप ये चीज क्लियर करके चलिएगा कि एप्रोप्रिएशन हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हम एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एज पर द पार्टनरशिप डेट डिपेंड करता है स्टूडेंट कि पार्टनर्स ने सैलरी की डिमांड की है तो उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, एज पर द पार्टनरशिप डेट पार्टनर्स ने कमीशन की डिमांड की है तो उनको कमीशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये तीनों खर्चे पार्टनर्स इंटरेस्ट सैलरी कमीशन ये सभी खर्चे एक्सपेंसेस हमारे एप्रोप्रिएशन है जो कि इस प्रॉफिट में से कवर किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट प्रॉफिट का कभी कभी फर्म डिसाइड कर सकती है कि एक पोर्शन हमें एज ए रिजर्व फॉर द फ्यूचर पर्पस हमें रिजर्व रखना है तो हम वो रिजर्व भी निकाल सकते हैं। ये सारे एप्रोप्रिएशन है और एज पर द डीड इफ मेंशन इन द डीड कि पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है तो हम उसे प्रॉफिट में ऐड ऑन करेंगे, डेट मीन्स क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्रेडिट साइड में जितना भी प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था पुट किया, डेबिट साइड में से इसके जो भी एप्रोप्रिएशन थे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, पार्टनर्स कमीशन है, जनरल रिजर्व है, सभी पुट किया, एंड आफ्टर दैट मेक द बैलेंसिंग, एंड द फाइनल फिगर जो बैलेंसिंग बचेगी That is the divisible profit. वो जो balancing करने के बाद हमारे पास बचेगा that is called divisible profit. इस divisible profit का मतलब क्या है? Now that is the final profit which can be distributed between the partners in their ratio. यहाँ पर एक चीज आपको जरूर बताऊंगा स्टूडेंट कि अगर रेशियो पार्टनर्स ने डिसाइड की है तो हम इस प्रॉफिट को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट अगर रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है that means not decided by the partner. Then हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। इसका मतलब कभी भी आपको कभी भी पूरी पार्टनरशिप में कहीं पर भी इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन इट शुड बी ऑलवेज टेकन एज इक्वल, राइट। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स कुछ सिली मिस्टेक कर जाते हैं पेपर के टाइम पर या कुछ चीजों को ध्यान में नहीं रखते, तो ये चीजें कम से कम आप सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, इसको आप बहुत अच्छी तरह कंसिडर करके चलिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के टाइम पर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के टाइम पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किन चीजों को ध्यान रखना है वो हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छी तरह कंसीडर करेंगे आप लोग। सबसे पहला मैनेजर कमीशन, जब प्रॉफिट में से हम सारे चार्जेस जितने भी चार्जेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर मैनेजर कमीशन की अगर क्लॉज है तो मैनेजर कमीशन इज ऑलवेज गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो फर्स्ट प्रॉफिट में से पहले आप अगर कोई अदर चार्जेस हैं
लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, उन सभी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। देन फाइनली इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर मैनेजर कमीशन कंसिडर किया जाता है, राइट। सेकेंड अगर हम कॉन्सेप्ट देखें यहां पर तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्स मंथ्स इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये छोटा सा पॉइंट है स्टूडेंट, बट आप लोग बहुत सीरियस मिस्टेक करते हैं इसके अंदर कि ड्रॉइंग्स पर अगर डेट ना दियो ड्रॉइंग फी तो हम लोग फ्लैट इंटरेस्ट रेट उस पर अप्लाई कर जाते हैं, बट नहीं, हमें ध्यान रखना है कि इफ डेट इज नॉट गिवन देन उसको मिडल ऑफ द मंथ मानते हुए सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाँ, यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको इंटरेस्ट जो परसेंटेज में गिवन है फ्लैट रेट गिवन है या पर एनम गिवन है। फ्लैट रेट गिवन है तो आप सिक्स मंथ्स को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा जो की पॉइंट्स है दैट इज इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हमें प्रॉफिट दिया जाता है तो उसमें से एप्रोप्रिएशन अभी हमें सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, बट अगर बाय चांस इंटरेस्ट सॉरी अगर बाय चांस पार्टनर सैलरी ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड हो चुकी है तो क्वेश्चन यहां पर पुट अप होता है कि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस लिए बना रहे हैं। तो दैट मींस कि हम उसको पहले बैक, इट विल बी टेकन बैक, पहले हम उसको प्रॉफिट में एड करके फिर उस पार्टनर्स की सैलरी को हम पी एंड एल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। So then the salary first should be added back in the net profit and then it is debited to the profit and loss appropriation account. So next point jo students ke andar hamara hai that is divisible profit or loss is transferred to partner's capital account in case of fluctuating capital matter. Divisible profit hamesha partner's capital account mein jayega agar fluctuating capital matter hai. देखिए लॉस यहां पर जो है कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि जनरली तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि एप्रोप्रिएशन हम प्रोवाइड ही तभी करते हैं जब आपको कंपनी में प्रॉफिट होगा। बट सम टाइम कभी कभी एग्जामिनर ये डिमांड कर लेता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज, इन दैट केस यहां पर लॉस आ सकता है। देन उसके बाद अगर हम देखें अगर बाई चांस आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो इन दैट केस डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट जिनको हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। अगर हम इनको रेगुलरली कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखेंगे तो इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है प्रॉपर बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। ओके।